अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर है 20 लाख रुपए, तो आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आप हिल स्टेट में पहाड़ी इलाकों में अपना बिजनेस करते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और आपके बिजनेस का टर्नओवर है 10 लाख रुपए से ऊपर, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आप अदर स्टेट्स में अपना माल सप्लाई करते हैं, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपए का माल ही सप्लाई क्यों ना करते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि 2020 में आप एक जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा gst.gov.in। तो आपके सामने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको ये फिल करना है। सबसे पहले आप चूज कर लेंगे आई एम ए टैक्स पेयर। इसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन चूज करेंगे। आपको ध्यान देना है कि आपको वही लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर आपका बिजनेस है। आप जहाँ के रहने वाले हैं वो लोकेशन आपको अभी यहाँ पर चूज नहीं करनी है। जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप दिल्ली में बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आप दिल्ली चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, दिल्ली में कहाँ पर। अब यहाँ पर आप लीगल नेम ऑफ द बिजनेस का लीगल नेम डालेंगे। अगर आप प्रोप्राइटर है, मतलब कि आप इंडिविजुअली काम करते हैं, आपकी कोई शॉप है, तब आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई सोसाइटी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप उसका यहाँ पर नाम डालेंगे। नाम आपको बिल्कुल सेम डालना है जो पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर प्रोप्राइटर के केस में हम यहाँ पर इंडिविजुअल का नाम डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब कि पैन कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर ये टाइप कर देना है। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। मोबाइल वाला ओटीपी आपको यहाँ डालना है और ईमेल वाला ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। देखिए इस तरह से ईमेल आएगा और यहाँ पर ये है ओटीपी, आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी TRN नंबर जनरेट हो जाएगा, आप इसको कॉपी करके रख लीजिए। ये आपके मोबाइल नंबर पर भी SMS कर दिया जाता है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना TRN नंबर डालना है जो कि अभी हमने कॉपी किया है। इसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ईमेल आ गया है, ओटीपी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप ये SMS से भी ले सकते हैं और साथ ही ईमेल से भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, क्रिएशन डेट, फॉर्म नंबर, फॉर्म डिस्क्रिप्शन, एक्सपायरी डेट। तो आपको इस डेट से पहले पहले इस फॉर्म को फिल करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ एक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके बिजनेस का लीगल नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। जैसे कि हमारे केस में एक प्रोप्राइटर है जिसका मैं GST अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्रेड नेम डालना होगा, मतलब शॉप का नेम डाल देंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज कर लेना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। अगर आप इंडिविजुअल है, सिंगल है, तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप चूज करेंगे। अगर पार्टनरशिप में काम है तो पार्टनरशिप चूज करेंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज कर लेंगे। कोई सोसाइटी, क्लब या ट्रस्ट है तो ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टेट आ गया है जहाँ पर आपका बिजनेस है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपने चूज किया हुआ है। यहाँ से आपको सेक्टर, सर्कल, वार्ड, चार्ज या फिर यूनिट चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि कौन सा ज्यूरिसडिक्शन लगता है आपके बिजनेस लोकेशन पर। तो यहाँ पर जैसे कि हम चूज कर लेते हैं दिल्ली वेस्ट डिवीजन, आपको यहाँ से चूज कर लेनी है और यहाँ से आप रेंज चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक रीजन देना होगा कि आप जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके लिए आपको लेना है, या फिर जो प्रोप्राइटर था उसकी डेथ हो चुकी है, अब आप नए प्रोप्राइटर बने हैं, या फिर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं,
तो इस तरह के यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज कर लेना है। अगर इसमें आपका ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ अदर चूज कर लेंगे। अदर अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट देनी होगी किस डेट को आपने बिजनेस शुरू किया था, जो कि आप यहाँ कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वो डेट देनी है जिस डेट से आपके ऊपर लायबिलिटी बनी है रजिस्ट्रेशन करने की, जिसमें हम दे देते हैं 14th मई। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें यहाँ पर आप चूज कर लेंगे टेम्परेरी आईडी। टेम्परेरी आईडी का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, मतलब टीआरएन नंबर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम आज की चूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपने पहले से जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो आप यहाँ पर जीएसटी इन चूज करेंगे और यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर किस डेट को लिया था वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये उस सिचुएशन में किया जाता है जब प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है और उसके बाद कोई नया बंदा प्रोपराइटर बनता है। यहाँ ऐड पर क्लिक करके आप पहले से किए गए और भी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोपराइटर की पूरी डिटेल्स देनी होगी। अगर आपने कंपनी चूज किया था तो फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। तो जैसे कि हमारे केस में ये है प्रोपराइटर, तो यहाँ पर प्रोपराइटर का फर्स्ट नेम आ जाएगा, कोई मिडल नेम है तो यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट नेम है तो यहाँ पर आ जाएगा, प्रोपराइटर के फादर का नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रोपराइटर की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो कि आप यहाँ कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोपराइटर का मोबाइल नंबर और यहाँ पर एक ईमेल आईडी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि डेजिग्नेशन स्टेटस, मतलब कि जो प्रोपराइटर है बिजनेस में इसका क्या स्टेटस है, क्या डेजिग्नेशन है। तो जैसे कि यहाँ पर ये प्रोपराइटर है तो हम यहाँ पर प्रोपराइटर डाल देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होगा, जो कि आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में DIN नंबर देना जरूरी है, लेकिन प्रोपराइटर में देना जरूरी नहीं है। इंडियन सिटीजन है इसको आप यस रखेंगे। इसके बाद नीचे पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं और साथ ही आप आधार कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देंगे तो एप्लीकेशन के लास्ट में आपको ई साइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए OTP के लिए। इसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होगा। अब यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर आ जाएगा, फ्लोर है तो फ्लोर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर बिल्डिंग का नेम आ जाएगा अगर कोई है, और यहाँ पर रोड, स्ट्रीट या लेन नंबर आ जाएगा, यहाँ पर सिटी, टाउन, लोकेलिटी या फिर गाँव का नाम आ जाएगा। यहाँ से कंट्री चूज कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोपराइटर का एक इमेज अपलोड करना होगा, जिसका मैक्सिमम साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, अगर इनके सिग्नेचर बिजनेस में इम्पोर्टेंट है, ऑथराइज्ड है, तो आप यहाँ यस करेंगे और आगे आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसके बाद आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमने चूज किया था कि ऑथराइज्ड सिग्नेचर ही है, मतलब बिजनेस में इनके सिग्नेचर की वैल्यू है, तो यहाँ हम प्राइमरी पर क्लिक करेंगे कि ये प्राइमरी है। लेकिन अगर आप उसको वहाँ पर ऑफ रखेंगे तब आपको ये कॉलम फिल नहीं करना पड़ेगा, इसमें आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो प्रोपराइटर है उसको यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर का कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी और को यहाँ पर ऐड करेंगे ऐड न्यू पर क्लिक करके ऑथराइज सिग्नेचर के लिए, तब आपको यहाँ पर उसका एक प्रूफ देना होगा। आप उसके यहाँ पर पूरी डिटेल्स डाल देंगे और यहाँ पर आपको उसके ऑथराइज सिग्नेचर का एक प्रूफ देना होगा, जिसमें आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे सकते हैं। लेटर यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर एक फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमारे बिजनेस में सिर्फ एक ही ऑथराइज सिग्नेचर ही है, वो है प्रोपराइटर, तो यहाँ पर हम इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है ऑथराइज सिग्नेचर की, जो कि प्रोपराइटर है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस को आपको रिप्रेजेंट करता हो। अगर है तो आप इसको यस करेंगे और आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको ऑफ रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बिजनेस का पूरा एड्रेस देना होगा, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, अगर कोई फ्लोर है तो फ्लोर नंबर डालेंगे, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसका नाम है तो आप यहाँ पर नाम डाल देंगे, रोड, स्ट्रीट या लेन नंबर यहाँ पर डालेंगे,
सिटी टाउन लोकेलिटी या फिर गांव का नाम यहां पर डालेंगे, यहां से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे और यहां पर पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहां पर आपको चूज करना होगा नेचर ऑफ पजेशन, मतलब जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं उस पर आपका कब्जा है, तो ये कब्जा किस तरह का है, कंसेंट है या फिर लीज पर लिया हुआ है या फिर अपना है, रेंट पर लिया हुआ है या फिर शेयर कर रहे हैं किसी के साथ या फिर किसी और तरीके से आपका इस पर कब्जा है, तो किस तरह से आपका इस पर कब्जा है वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। जैसे कि अगर आपने रेंट पर लिया हुआ है तो आप रेंटेड यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा अपने बिजनेस का, जिसमें आप बिजली का बिल दे सकते हैं, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, म्युनिसिपल खाता कॉपी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं या फिर अगर आप रेंट पर या लीज पर लिया हुआ है तो रेंट या लीज एग्रीमेंट आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर रेंट रिसिप्ट एनओसी के साथ भी दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहां पर चूज करेंगे वो आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहां चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी रेंट एग्रीमेंट रखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी की नेचर बतानी होगी, किस तरह का बिजनेस आप करते हैं। यहां पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपका रिटेल का बिजनेस है या फिर आपका कोई ऑफिस है, सेल ऑफिस है, इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि होलसेल बिजनेस है तो आप यहाँ पर होलसेल चूज कर लेंगे। अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा जगहों पर है तो आप यहाँ यस करेंगे और आपको नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पर दूसरी जगह की लोकेशन भी डालनी होगी, लेकिन हमारा बिजनेस सिर्फ एक ही जगह पर है तो इसको हम नो रखेंगे। इसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है जिसमें कहा गया है कि आपकी कोई एडिशनल प्लेस है, मतलब कि आप किसी और जगह पर भी बिजनेस करते हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप बैक जाएंगे और इसको यस करेंगे और यहाँ पर आप उस प्लेस का पूरा एड्रेस डालेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमारा बिजनेस सिर्फ एक ही जगह पर है तो हम उसको नो रखेंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। आप बिजनेस करते हैं, किस टाइप का आप बिजनेस करते हैं, उसमें आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको कम से कम 5 गुड्स के नाम डालने हैं और अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कम से कम 5 सर्विसेज के यहाँ पर आपको नाम डालने होंगे या फिर आप यहाँ पर HSN नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके शूज की शॉप है तो आप यहाँ पर लिखेंगे शूज, तो यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, आप देख लेंगे कि किस तरह के शूज आप यहाँ पर सप्लाई करते हैं। किसी एक को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसका HSN कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप सर्च करेंगे और टोटल 5 आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे। टोटल 5 गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर आप ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ये जरूरी नहीं है तो बस आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ कंफर्म करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे अपना, और क्योंकि हमने ऑथराइज सिग्नेचर में यहाँ पर इनको ऐड किया है तो इनका नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप प्लेस डालेंगे, अगर आपकी कोई कंपनी है, LLP है, तो आपको यहाँ सबमिट विद DSC पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रूफ करने होंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है, जैसे कि हमारे केस में, तो यहाँ आप सबमिट विद EDC पर क्लिक करेंगे और साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबमिट विद e-signature। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे तब आपको यहाँ e-signature के साथ वेरीफाई करना होगा। OTP डालने के बाद यहाँ वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और साथ ही आपको यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट यानी ARN नंबर भी मिल जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और आपको इस तरह से एक ईमेल मिल जाएगा और साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर भी एक SMS सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको इस तरह से एक ARN नंबर दे दिया जाएगा। आप इसको कॉपी करके रख लीजिए, ये काफी इम्पोर्टेंट है। कभी भी अपना स्टेटस चेक करने के लिए आप gst.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ARN नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में अभी ये पेंडिंग है, जैसे ही यहाँ पर ये एक बार अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक SRN नंबर सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपकी ईमेल आईडी और SMS दोनों पर भेजा जाएगा। तो आप यही सर्विसेज में आएंगे और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इस बार आपको SRN चूज करना है, यहाँ पर SRN नंबर डालकर सर्च करेंगे तो यहीं से आप GST सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।